question whether possession of a good memory. Possession of a good memory का मतलब है एक अच्छी memory रखना, एक अच्छी memory के रखने के पर जो प्रश्न है, is altogether desirable. Desirable का अर्थ है वांछनीय. यह एक वांछनीय चीज़ है, अच्छी memory होनी चाहिए. Has often been discussed. और अच्छी memory के लिए पहले भी कई बार विचार किया जा चुका है कि अच्छी मेमोरी तो अच्छा ही होता है, अच्छी मेमोरी होना तारीफ की ही बात है, इस बारे में पहले से जानते हैं, सुनते हैं, करते हैं. एंड मेन विथ फॉलिएबल मेमोरीज हैव समटाइम्स ट्राइड टू मेक आउट ए केस फॉर देयर सुपीरियरिटी. लेकिन वे लोग जिनकी कमजोर मेमोरी है, फॉलिएबल मेमोरी का मतलब है कमजोर मेमोरी है, कमजोर याददाश्त है, वे भी कभी कभी अपनी श्रेष्ठता को साबित करने का प्रयास करते हैं या कर जाते हैं. सुपीरियरिटी का अर्थ है श्रेष्ठता. तो कभी कभी कमजोर मेमोरी, कमजोर याददाश्त के लोग भी अपनी श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं. A man that say who is perfect remembering machine is seldom a man of the first intelligence. एक आदमी जिसके लिए कहा जाता है कि उसकी यादगार अच्छी है, एक मशीन की तरह याद कर लेता है, तो ये एक पहला इंटेलिजेंस, पहले तेज दिमाग का एक परिचय है. तेज मेमोरी होना इंटेलिजेंस की निशानी है. एंड दे कोट वेरियस केस ऑफ चिल्ड्रेन आर मैन. और यहाँ पे ऐसे बहुत से वर्णन, कोट का मतलब है वर्णन, यहाँ पे ऐसे वर्णन मिलते हैं, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें यह हम पाते हैं. और यह जो केस है बच्चों का होता है या बड़ों का भी होता है, जिनके पास मार्वेलस मेमोरी रही है. मार्वेलस का मतलब है विचित्र या बिल्कुल तीव्र मेमोरी, जिनकी तीव्र मेमोरी रही है. एंड हु एट हैड नो इंटेलेक्ट टू स्पीक ऑफ. लेकिन ऐसे लोग या ऐसे बच्चे, बच्चों का भी वर्णन मिलता है या ऐसे लोगों का भी केस देखा गया है जिनके पास अद्भुत याददाश्त होती है, लेकिन वे अपनी योग्यता को, लेकिन वे अपनी बात को कहने भर की योग्यता नहीं रखते हैं. याददाश्त बहुत अच्छी है, अद्भुत है, लेकिन वे अपनी बात को कह पाने की योग्यता नहीं रखते हैं. इंटेलेक्ट का मतलब है योग्यता, नो इंटेलेक्ट का मतलब है योग्यता न रखना. आई इमेजिन हाउएवर दैट ऑन द होल द ग्रेट राइटर एंड द ग्रेट कंपोजर ऑफ म्यूजिक हैव बीन मैन विथ एक्सेप्शनल पावर ऑफ मेमोरी. मैं कल्पना करता हूँ, हाउएवर का मतलब है यद्यपि, मैं कल्पना करता हूँ यद्यपि समूचे में देखा जाए, व्यापक स्तर पर देखा जाए, ऑन द होल का अर्थ है द ग्रेट राइटर, जो महान लेखक हैं, एंड द ग्रेट कंपोजर ऑफ म्यूजिक, और जो संगीत के महान रचयिता हैं, हैव बीन मैन विथ एक्सेप्शनल पावर ऑफ मेमोरी. ये वे लोग हैं जिनके पास अपवाद स्तर की याददाश्त क्षमता रही है. अर्थ है कि ये जो महान लेखक या महान संगीतज्ञ रहे हैं, इनकी जो याददाश्त है वो बहुत ही ऊंचे स्तर की रही है. द पोएट्स आई हैव नन हैव हैड बेटर मेमोरीज देन द स्टॉक ब्रोकर. कवि जिनके बारे में मैं जानता हूँ, उनकी याददाश्त प्रायः स्टॉक ब्रोकर या दलालों से बेहतर होती है. आई हैव नन मेमोरी इन डीड इज हाफ ऑफ द सब्सटेंस ऑफ देयर आर्ट. मैं मानता हूँ कि किसी व्यक्ति की जो कला होती है, उस कला में उसकी जो याददाश्त होती है, उसकी भूमिका आधी ही होती है. आदमी का हुनर
ये आदमी की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें मेमोरी का, याददाश्त का महत्व तो होता है लेकिन आधा ही होता है। ऑन द अदर हैंड स्टेटमेंट सीम टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली बैड मेमोरीज। स्टेटमेंट का अर्थ है राजनीतिज्ञ, और दूसरी तरफ जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनमें प्रायः देखा गया है कि उनकी जो याददाश्त होती है असाधारण रूप से खराब होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, बैड मेमोरी मतलब खराब याददाश्त। तो लेखक का कहना है कि राजनीतिज्ञों में याददाश्त असाधारण रूप से खराब होती है। लेट टू स्टेटमेंट्स अटेम्प्ट टू रिकॉल द सेम इवेंट। दो नेताओं को, दो राजनीतिज्ञों को ले लें और उन्हें कहा जाए कि किसी एक घटना को याद करें या उसका वर्णन करें। व्हाट हैपेंड, क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एट सम कैबिनेट मीटिंग, उदाहरण के लिए ऐसा किसी कैबिनेट मीटिंग में कहा जाए, एंड ईच ऑफ देम विल टेल यू दैट द अदर्स स्टोरी इज सो इनएक्यूरेट दैट आइदर ही हैज ए मेमोरी लाइक आर इज एन ऑडियस परवर्ट ऑफ द ट्रूथ। तो ऐसा होने पर, ऐसा करने पर हम पाएंगे कि वे दोनों राजनीतिज्ञ एक दूसरे की स्टोरी को, एक दूसरे जो बताएंगे किसी घटना के बारे में, उसके बारे में यही कहेंगे कि जो तुम बताए हो बिल्कुल अपूर्ण है, अशुद्ध है। अब इसका कारण हो सकता है कि या तो उनकी मेमोरी बहुत खराब हो, चलनी जैसी हो, सीप का अर्थ है चलनी, मेमोरी का चलनी जैसा होना मतलब जो बातें मेमोरी में आई कुछ भी नहीं टिकी, सब सरक गई, या फिर इज एन ऑडियंस परवर्ट ऑफ द ट्रूथ, या फिर यह सच्चाई का के प्रति उद्दंडता या निर्लज्जता हो सकती है। ऑडिसियस का मतलब उद्दंडता, परवर्ट का मतलब है निर्लज्जता। तो दो नेता या दो राजनीतिज्ञ एक ही विषय पर अगर अपने व्याख्यान दें तो दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल झूठा, बिल्कुल अशुद्ध, अपूर्ण कहेंगे। इसके पीछे दो ही कारण हो सकता है, या तो दोनों की मेमोरी, दोनों की याददाश्त इतनी खराब हो जितनी की चलनी, चलनी में अगर हम कुछ डालते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, वैसे ही नेताओं के दिमाग में कुछ जाता है तो कुछ बचता नहीं, सब निकल जाता है, या फिर ये दोनों बिल्कुल उदंड और निर्लज्ज हो सच के प्रति, जानबूझ के झूठ बोले। द फ्रिक्वेंसी विथ विच द फैक्ट इन द ऑटोबायोग्राफी एंड स्पीचेज ऑफ स्टेटमेंट्स आर चैलेंज्ड। और यह भी एक तथ्य है कि जब किसी नेता की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी का मतलब है आत्मकथा और स्पीचेज का अर्थ है भाषण, जब किसी नेता का बायोग्राफी, आत्मकथा या भाषण आता है तो इसको बार बार चुनौती दी जाती है। चैलेंज मतलब चुनौती करना, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार। Suggests that the world has known it begun to produce ideal statement। और इससे यह विचार बनता है, सजेस्ट का मतलब तो वैसे सलाह है, पर इस बात से जो हम विचार बना पाते हैं, जो समझ पाते हैं वह यह है कि अभी संसार ने एक आदर्श नेता को उत्पादित करना या पैदा करना शुरू नहीं किया है। आदर्श नेता की हम कल्पना तो करते हैं पर अभी इस दुनिया में एक आदर्श नेता नहीं पैदा हुआ है। मेन हु लाइक ग्रेट पोएट्स हैव द जीनियस ऑफ मेमोरी एंड आर इंटेलेक्ट कम्बाइंड। लोग जो कि महान महान कवियों जैसे होते हैं, उनकी जो मेमोरी होती है वो जीनियस स्तर की होती है, तीव्र होती है, एंड ऑफ इंटेलेक्ट कम्बाइंड, और उसके साथ ही साथ मेमोरी के साथ साथ उनमें योग्यता भी जुड़ी होती है। एट द सेम टाइम ऑर्डिनरली गुड मेमोरी इज सो कॉमन दैट
that we regard a man who does not possess it as eccentric. At the same time, ठीक इसी तरह ordinarily good memory is so common, साधारणतः एक अच्छी याददाश्त इतनी कॉमन है या अच्छी याददाश्त लोगों में पाई जाती है that we regard a man who does not possess it as eccentric. एक आदमी जो इसको रखता है मतलब अच्छी मेमोरी रखता है अच्छी याददाश्त रखता है उसको हम एक सनकी नहीं कहते. I have heard of a father who having offered to take the baby out in a पेरानुबुलेटर का अर्थ है बच्चों की जो चार पहिए वाली गाड़ी होती है पेरानुबुलेटर उसको कहते हैं. मैंने एक फादर के बारे में एक पिता के बारे में सुना है. एक पिता का वर्णन दे रहा है लेखक. हैविंग ऑफर्ड टू टेक ए बेबी उसको एक बच्चा उसका अपना बच्चा था उसके साथ जिसलिए कि वो बाहर गया था और चार पहियों की गाड़ी में बैठा कर was tempted by the sunny morning to pause on his journey and slip into a public house for a glass of beer. तो जब वो बच्चे को लेकर निकला तो एक सनी मॉर्निंग था अच्छा सूर्य उगा हुआ था सुबह सुबह का समय था तो उसने अपनी यात्रा रोक दी बीच में ही एक पब्लिक हाउस के सामने और जो कि एक बियर बार था और अपने बच्चे को गाड़ी के साथ छोड़कर बियर बार में सरक गया. लीविंग द पैराम्बुलेटर आउटसाइड उस पैराम्बुलेटर को उस बच्चा गाड़ी को बाहर छोड़ते हुए ही डिसअपीयर्ड थ्रू द डोर ऑफ द सैलून बार वो सैलून बार के दरवाजे में गायब हो गया मतलब दरवाजे में घुस गया. A little later his wife had to do some shopping. कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी को जिसे कुछ शॉपिंग करना था खरीदारी करना था We took her past the public house. ऐसा करने के लिए शॉपिंग करने के लिए जब वो निकली तो उस पब्लिक हाउस के सामने से गुजरी Fear to her horror. वहाँ पे इसके लिए भय का एक कारण बन गया She discovered her sleeping baby. Indigent at her husband's behavior. उसके लिए काफी भय का कारण बना कि उसने अपने बच्चे को पाया सोते हुए बच्चे को पाया जो उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया था और अपने बच्चे को पाकर वो क्रोधित हुई indignant का अर्थ है क्रोधित और इस चीज को देखकर वो क्रोधित हुई अपने पति के व्यवहार को देखकर काफी क्रोधित हुई. She decided to teach him a lesson. उसने निर्णय लिया कि अपने हस्बैंड को अपने पति को एक पाठ सिखाएगी एक सबक सिखाएगी. सी व्हील्ड अवे द पैराम्बुलेटर उसने उस बच्चा गाड़ी को ढकेलते हुए दूर ले गई. पिक्चरिंग टू हरसेल्फ हिज टेरर व्हेन ही वुड कम आउट एंड फाइंड द बेबी गॉन और इस बात की कल्पना कर रही थी अपने आप में पिक्चरिंग और हरसेल्फ मतलब अपने आप में कल्पना कर रही थी हिज टेरर अपने उस अपने हस्बैंड के डर को कि जब वो आएगा और कैसे डर के मारे वो बताएगा कि बच्चा तो गायब हो गया. सी अराइव होम एंटिसिपेटिंग विथ एंग्री रेलिस द व्हाइट फेस एंड क्विकरिंग लिप्स दैट वुड सून अपीयर विथ द न्यूज दैट द बेबी हैड बीन स्टोलन वह घर पहुंची एंटिसिपेटिंग विथ एंग्री रेलिस ये आशा करते हुए एंटिसिपेटिंग का अर्थ है आशा करते हुए विथ एंग्री रेलिस एंग्री का मतलब नाराज और रेलिस का अर्थ है उत्साह तो नाराजगी में भी उत्साह था एक जोश था एक उम्मीद भी कर रही थी एंटिसिपेटिंग का अर्थ है और उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और उसके जो ओठ थे वो कांप रहे थे क्विवरिंग लिप्स मतलब कांपते हुए ओठ वुड सून अपीयर विथ द न्यूज दैट द बेबी हैड बीन स्टोलन और वह सोच रही थी कि जब उसको यह न्यूज मिलेगी उसके पति ही उसको बताएंगे कि भाई बच्चा गायब हो गया तो वह नाराजगी दिखाएगी उसका चेहरा सफेद पड़ेगा उसके ओठ कांपेंगे गुस्से से व्हाट वाज हर वेक्सेशन लेकिन अब उसकी नाराजगी क्या थी हाउएवर व्हेन जस्ट बिफोर लंच पर उसकी नाराजगी अब क्या थी ये यहाँ पे राइटर बता रहा है कि हर हस्बैंड केम इन स्माइलिंग चीयरफुल्ली एंड आस्किंग नाराजगी की वजह अब बन रही है ज्यादा
कि जब लंच के टाइम उसका हस्बैंड मुस्कुराते हुए आया, बिल्कुल आनंदित होते हुए, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए, चीयरफुल्ली मतलब बिल्कुल उत्साहित उल्लासित, और पूछते हुए, वेल माई डियर व्हाट इज फॉर लंच टूडे, प्रिय ये बताओ कि आखिर आज लंच में क्या बनाएगी। Having forgotten all about the baby and the fact that he had taken it out with him, और इस बात को पूरी तरह से भूलते हुए उसके हस्बैंड ने पूछा कि प्रिय आज लंच में क्या बनाई हो, और वो पूरी तरह से भूल चुका था कि बच्चा को वह साथ लेके भी गया था। कहाँ ये उम्मीद कर रही थी कि उसका हस्बैंड आएगा नहड़ाए हुए और कहेगा कि बच्चा तो खो गया मेरी लापरवाही के चलते, दुखी दिखेगा ना परेशान दिखेगा, तो कहाँ ये मुस्कुराते हुए आके पूछ रहा है कि लंच में क्या बना है, और उसे ये बिल्कुल याद नहीं था कि वो बच्चा लेके भी गया था। हाउ मेनी मेन बिलो द रैंक ऑफ द फिलॉसफर वुड बी कैपेबल ऑफ सच एब्सेंट माइंडनेस एज दिस, हाउ मेनी मैन, ऐसे कितने लोग हैं बिलो द रैंक ऑफ फिलॉसफर, दार्शनिकों की रैंक से नीचे, वुड बी कैपेबल ऑफ सच एब्सेंट माइंडेड एज दिस, जो इस स्तर के भुलक्कड़ हैं, जो पिता का वर्णन दिया गया जो बच्चे को ले गया, बच्चा खो गया उसके भुलक्कड़पन के नाते, और आया तो उसको यह भी याद नहीं था कि वो बच्चा लेके गया है। तो लेखक का कहना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो दार्शनिकों से वरीयता सूची में नीचे हैं। आई फियर आर बॉर्न विथ प्रोजेक्टली एफिशियंस मेमोरी, आई फियर मैं डरता हूँ, आर बॉर्न विथ प्रोजेक्टली एफिशियंट मेमोरी, प्रोजेक्टली का मतलब है नीरस, एफिशियंट मेमोरी मतलब अच्छी याददाश्त। मैं डरता हूँ कि जो लोग अच्छी मेमोरी अच्छी याददाश्त के साथ पैदा होते हैं और यह याददाश्त प्राय नीरस होती है, इफ इट वेयर नॉट सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली कुड नॉट सर्वाइव इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी। लेकिन यह जो नीरस याददाश्त है, यह नीरस प्रकार की अच्छी याददाश्त है, अगर यह न होती तो जो परिवार का धारणा है, परिवार का जो इंस्टीट्यूशन है, परिवार की जो यूनिट है, या परिवार की जो इकाई है कहना कहा जाए, वह एक बड़े आधुनिक शहर में सर्वाइव नहीं कर पाएगी।